चैनल स्वादिष्ट खाना में और आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी लॉलीपॉप जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैगी का पैकेट ले लिया जिसमें दो पीस है। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर हमने पानी डालनी है और यहाँ पे मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि मैगी है वो अच्छे से पक जाए और पानी को हल्का गर्म होने देंगे। और यहाँ देखिए जो हमारा पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब इसके अंदर हमने मैगी डाल देनी है। और मैगी को हम अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ देखिए जो हमारी मैगी है वो अच्छे से पक चुकी है और इसमें जितना भी पानी हमने अच्छे से सुखा लेना है, बिल्कुल भी इसमें हमने पानी नहीं रखना है। इसको चलाते हुए अच्छे से इसका पानी हम सुखा लेंगे। और यहाँ देखिए इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है। मैगी को मैंने इसके अंदर निकाल दिया है। अब हमने मैगी को हल्का सा ठंडा कर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और जब तक हमारी मैगी ठंडी होगी तब तक हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। एक बोल ले लेना है, इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच मैदा। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक डाल देना है। इसमें हम डालेंगे हल्का सा फूड कलर। इसमें हमने पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेना है। एक घोल होना चाहिए, ना ज्यादा पतला होना ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए जो हमारा घोल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब इसको हमने साइड में रख देना है। यहाँ जो हमारी मैगी है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ सब्जियां और मसाले डालने हैं। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसके अंदर डाल देंगे मैगी मसाला जिससे इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर। हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, आराम आराम से करेंगे क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो उड़ता है, तो हमने आराम से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हल्के हाथ से। यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे जो लकड़ी के चम्मच होते हैं वो मैंने ले लिया है लॉलीपॉप बनाने के लिए। ये देखिए सबसे पहले हमने हाथ में हल्का सा पानी लगा लेना है और थोड़ा सा डो ले लेना है। ये देखिए इतना। अब हम 1 चम्मच ले लेंगे और इसके अंदर हमने अच्छे से इसको बंद कर लेना है। इसको गोल गोल कर लेंगे हम। देखिए ऐसे ही हमने सभी को बना लेना है। और यहां देखिए जो हमारे लॉलीपॉप है वो बहुत ही अच्छे से बन गए। ये देखिए अब इनको हम साइड में रखेंगे। और यहां देखिए जो मैंने घोल तैयार किया था वो ले लिया है और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए थोड़े से। और हमने एक लॉलीपॉप ले लेना है और इसको हमने बैटर में अच्छे से डिप कर देना है। और ये अच्छे से बैटर में डिप हो गया है। अब इसको हमने ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर देना है। ये देखिए ऐसे ही हमने सारे लॉलीपॉप तैयार कर लेने हैं। ये हमारे जो लॉलीपॉप है वो फ्राई होने के लिए रेडी है, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। यहाँ देखिए जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमें 1-1 लॉलीपॉप डाल देना है। एक बारी में मैं 3 फ्राई कर रही हूँ। हमें इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिए जो हमारे लॉलीपॉप है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हमने निकाल लेना है।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं। इनको हमने निकाल लेना है। ऐसे ही हमने सभी को फ्राई कर लेना है। यहाँ जो लॉलीपॉप है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनके करते हैं हम प्लेटिंग। उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लेना है। इसके बीच में रख देंगे केचप, और ये देखिए, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बना है ये लॉलीपॉप, और मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। मैगी लॉलीपॉप एक बार आप भी बना के जरूर ट्राई करना, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और कमेंट में जरूर बताना कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।